Dear students, in this module, we are going to discuss how neocolonialism has been persisting the global stratification. Neocolonialism refers to the continued economic, political, and cultural domination of less developed countries by more powerful countries, even after the formal colonialism has ended. जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान 1947 के अंदर आज़ाद हुआ ब्रिटिश कलोनीज़म से और ब्रिटिश कलोनाजम के जो इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट्स हैं वो उसके असरा आज तक हमारी सोसाइटी और हमारी कंट्री के ऊपर मौजूद हैं जो ब्रिटिश कलोनालिज़म का पीरियड था वो डायरेक्ट कोलोनाइजेशन का पीरियड उसको कहा जाता है जब कोई भी फॉरेन पावर जो है वो किसी एक कंट्री में आके उसके रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के ऊपर कब्जा कर लेती है लेकिन इस जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसके बाद वो कंट्री जो है या वो सोसाइटी वाकई ही ट्रू सेंस के अंदर आज़ाद हो जाती है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे जो के कोलोनियल पीरियड का हिस्सा रहे और उस सारे एक्सप्लोटेटिव निज़ाम के अंदर उनकी जो ट्रेडिशन थी उनकी जो हिस्ट्री थी और उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉच हुई और उसके बाद जो उसके ऊपर जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए वो उसी क्लोनील पीरियड के आफ्टर इफेक्ट्स हुए उसकी आइडियोलॉजी के उसके कल्चर के उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के और ख़ास तौर पे उसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के तो हम पाकिस्तान के अंदर भी उसी क्लोनील पीरियड का एक तसलसल देख रहे हैं चाहे वो हमारा आ, जुडिशल सिस्टम हो या वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या हमारा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम हो तो कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो उस क्लोनील लेगेसी से बचा हो तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद वो एक ऐसे नियो रिलेशनशिप के अंदर चला गया जिसमें हमारा जो डिपेंडेंसी का मोड था वो चेंज हो गया हम ब्रिटिश कलोनाज्म से निकल के तो अमेरिकन न्यू कलोनालिज़म का शिकार हुए और इस न्यू कलोनालिज़म के प्रोसेस के अंदर हमने ये देखा है थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के कैसे जो है वो इकोनॉमिक साइकिल जो फॉरेन एड की सूरत में रहा उसके ज़रिए हमेशा जो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं वो प्रीडामेंटली इस तरह से कंस्ट्रक्ट की या कंस्ट्रक्ट होती रहीं जिसमें पाकिस्तान का रोल जो है वो शायद एक अलाय का नहीं था बल्कि एक सबॉर्डिनेट का था तो न्यू कलोनलिज़म इज़ ए ऑप्रेसिव प्रोसेस दैट मेंटेन्ड दैट इज़ मेंटेन्ड थ्रू अनइक्वल ट्रेड रिलेशनशिप्स पॉलिटिकल इंटरवेंशनज एंड कल्चरल इम्पेरियलज़म तो ना सिर्फ के फॉरेन एड का असर होता है डिपेंडेंसी uh, होती है पोलिटिकल uh, हैजमनी uh, होती है किसी एक ख़ास कंट्री की लेकिन इसके साथ साथ जो है वो कल्चरल एम्पीलिज़म भी होता है प्रीडोमिनेंटली uh, जो वहाँ के लोग होते हैं वो उस कंट्री के कल्चर से कॉन्शियसली uh, या अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अफेक्ट होते हैं और उनको uh, उनके ख्याल में जो कलोनील या न्यू कलोनील पावर होती है उसका कल्चर जो है उनके लिए सुपीरियर लगता है सो so, पाकिस्तान के अंदर जो न्योकलोनलिज़म है इसके बड़े डेवस्टेटिंग इफेक्ट हैं जो आज भी हमें नज़र आते हैं इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू कि आप देखें कि कैसे पाकिस्तान यू एस रिलेशनशिप्स रहे हैं और इन रिलेशनशिप के नतीजे में किस तरह से पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के जो इससे अफेक्ट हुए हैं आप उसमें पोलिटिकल इंस्टीट्यूशनस देख सकते हैं एक्नॉमिक इंस्टीट्यूशनस देख सकते हैं या आपका जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर इस न्योकलोनालिज्म के अफेक्ट देख सकते हैं तो इन अ नटशल इट वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट हाओ प्रोड्यूसेस प्रोड्यूस आपैचुअल सिस्टम ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन दैट अल्टीमेटली लीड्स टू इनिक्वालिटी एंड ऑप्रेशन